चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुक कर रहे हैं खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश की सियासत में भूचाल आया है। विक्रमादित्य के इस्तीफे के बाद सियासी गर्मी जो है वो बढ़ गई है। सीएम के सलाहकार ने सुक्खू के इस्तीफे की खबर को निराधार बताया है। हालांकि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा अल्पमत है। हिमाचल प्रदेश की सियासत में ये बड़ा भूचाल जो है वो कहा जा रहा है। विक्रमादित्य के इस्तीफे के बाद सियासी गर्मी बढ़ी और ये खबर सामने आई कि हिमाचल के सीएम ने भी इस्तीफे की पेशकश की है। अल्पमत में है सरकार, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है। बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में कल जो हुआ उसके बाद आज एक बार फिर से एक बहुत बड़ी खबर ये सामने आई कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू जो है उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई, लेकिन अब ये बताया जा रहा है सियासी गर्मी चूंकि बढ़ी हिमाचल में तो उसके बाद सीएम के सलाहकार ने सुक्खू के इस्तीफे की खबर को निराधार बताया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवाड़ी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, हिमाचल की सियासत में भूचाल तो हम कल से ही देख रहे हैं और मंत्री और विधायकों की नाराजगी के बीच आज खबर यह भी सामने आई कि सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, हालांकि अब उसे निराधार भी बताया गया है। क्या और जानकारी इससे जुड़ी? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पेशकश की गई थी वो सही बात है, लेकिन इस्तीफा देने की जो बात है वो जो है वो सही नहीं है। तो ऐसे में इस्तीफा अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का नहीं हुआ है, उनके मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान की ओर से ऐसा बयान दिया गया है कि अभी तक जो है ऐसा मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने की जो फर्जी खबरें चलाई जा रही है वो सही नहीं है, इस्तीफा नहीं दिया गया है। हालांकि कल के घटनाक्रम के बाद जो है वो पेशकश की बात जरूर सामने आई थी कि मैं, लेकिन अभी इस्तीफा हुआ नहीं है। लेकिन जो घटनाक्रम जो हो रहा है हिमाचल में देखिए, उसको देखकर लगता है कि सरकार का ज्यादा दिन तक जो नहीं टिकेगी अगर सीएम नहीं बदला गया तो। जबकि जो बागी विधायक है उनका सीधे रूप में यही कहना है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनका तालमेल सही नहीं है और उन्हें बदला जाना चाहिए। और अगर देखिए बागी विधायक नहीं मानते तो सरकार जाना हिमाचल की जो एकमात्र उत्तर भारत में जो ये सरकार है यह कांग्रेस की नहीं बच पाएगी। अमित, तो यहाँ पर आला कमान को कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की अभी जरूरत है, क्योंकि हमने ये भी देखा था मंत्री विक्रमादित्य ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हालांकि नाम नहीं लिया था लेकिन अपमानित करने का आरोप लगाकर उन्होंने पद से इस्तीफा दिया था, और उससे पहले विधायकों की भी नाराजगी सामने आई थी। तो अब डिसीजन जो है यहाँ पर आला कमान को लेना होगा, वो भी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन। निश्चित रूप से देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से विक्रमादित्य मंत्री का इस्तीफा आया और लगातार जो दूसरे बागी विधायकों के बयान भी आए हैं, तो उससे लगता है कि जो नाराजगी अगर दूर नहीं की गई, और सबसे अहम बात है देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 6 बार के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने जो उनके पुत्र है विक्रमादित्य, उन्होंने कहा कि एक जो उन्होंने जिन बातों को लेकर नाराजगी जताई तो उसको लेकर आला कमान को कुछ न कुछ विचार करना पड़ेगा। और एक और भी बात जो जानकारी सृष्टि सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की लॉटरी लग सकती है, अगर सुक्खू को बदला जाता है तो मुकेश अग्निहोत्री का नंबर लग सकता है, वे बाकियों को मना लेंगे और कांग्रेस हाईकमान के साथ भी उनके संबंध बेहतर है, तो ऐसे में उनका नंबर लग सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और अगर यह बदलाव सुक्खू का नहीं किया गया तो निश्चित रूप से हिमाचल में तख्ता ब्रज होने की संभावना बनी हुई है। जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई और अभिषेक मनु सिंघवी को हारना पड़ा, पराजित होना पड़ा, तो देखिए एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। अब अगर कोई धन बिल पेश किया जाता है और उस स्थिति में अगर कोई कोई गड़बड़ हो गई तो निश्चित रूप से सरकार का जाना तय हो जाएगा और कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान यहाँ उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, अब कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती यह है कि हिमाचल में अपनी सरकार को बचाना है, अपनी सरकार बनाए रखनी है। लेकिन अमित, इस बीच ये जो तस्वीरें सामने आई हैं हिमाचल से, कांग्रेस की कहीं ना कहीं विफलता नजर आ रही है कि वो अपनी पार्टी के सभी लोगों को, जिसमें विधायक हो मंत्री हो, एकजुट करके चल पाने में मुश्किलें कांग्रेस के लिए आ रही हैं, चुनौतियां बहुत आ रही हैं, तो किसकी इसमें विफलता जो है वो मानी जाए? अमित देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सोनिया गांधी, उनको राज्यसभा में भेजना था,
लेकिन उनको हिमाचल की बजाय राजस्थान से जो है उनका वो करवाया गया, वहां से नामांकन करवाया गया। कारण क्या था कि हिमाचल में जिस प्रकार की आशंका, जिस प्रकार का घटनाक्रम कल हुआ है, उसकी आशंका कांग्रेस हाईकमान को पहले से थी, इसलिए हिमाचल प्रदेश का जो है उन्होंने नामांकन सोनिया का गांधी का नहीं करवाया। 34 बैठे उनके पास एमएलए थे, लेकिन फिर भी क्रॉस वोटिंग हुई और उसका खामियाजा अभिषेक मनु सिंघवी को उठाना पड़ा। इसका मतलब हाईकमान को पहले से आशंका थी, लेकिन उन्होंने कोई ठोस कदम पहले से नहीं उठाया, जिसका खामियाजा आज कांग्रेस को यहाँ उठाना पड़ रहा है। और अगर पहले से ही कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस मामले में चेत जाता तो निश्चित रूप से सुखविंदर सुक्खू की भी इस प्रकार की जो स्थिति है वो नहीं रहती और कांग्रेस हाईकमान को भी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। और जो संकट आज कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश की उसके सामने जो खड़ा हुआ है वो सबसे बड़ा संकट जो है वो टाला जा सकता था अगर सूझबूझ का परिचय दिया जाता। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कांग्रेस गंभीरता से नहीं ले रही है। और दो घटनाक्रम देखिए, हरियाणा के मामले में हुआ था, पहले दो बार शाही कांड हुआ उस समय भी, और जो पहले उससे पहले हुआ है जब राज्यसभा चुनाव में जो आनंद थे उन्हें पराजित होना पड़ा। तो ऐसे में यह तीसरा घटनाक्रम है जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पता होते हुए भी हिमाचल में हुआ है। और 8 विधायकों का क्रॉस वोटिंग में हिस्सा लेना अगर इस तरह से अगर होता है तो निश्चित रूप से यह सरकार बच नहीं पाएगी। इसलिए समय रहते यहाँ कदम उठाने की जरूरत है। और देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रतिपक्ष हरियाणा के, उनको ड्यूटी लगाई और टीके शिव कुमार की ड्यूटी लगाई गई है, वे जा रहे हैं। अब वो संकट मोर्चक बनते हैं या नहीं बनते यह अभी आने वाले कुछ घंटों में पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अमित, हालात संभालने की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को दी गई है। और सही कहा आपने, संकट मोचन बनते हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सियासत में हिमाचल की कहीं ना कहीं भूचाल जो है वो देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया अमित, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।